पर्यटन और देवस्थान विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के कुम्हेर के जहांगीरपुरा में आयुर्वेद स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के रिनोवेटेड भवन का लोकार्पण किया और जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि जिले की तीन प्रमुख समस्याओं में से दो समस्या सिंचाई का पानी और पेयजल के संबंध में गत चार माह में काफी प्रगति हुई है। 89 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव राज्य बजट में शामिल करवाने के लिए मैंने राज्य सरकार को भेजा है। साथ ही कहा कि राज्य की नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली के पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि इन जिलों के काफी पर्यटन स्थल अभी तक उपेक्षा का शिकार रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य की नई देवस्थान नीति भी तैयार की जा रही है। देवस्थान विभाग की अरबों रुपए कीमत की भूमि पर अवैध कब्जे हैं और इसकी संपत्ति का किराया आज भी बाजार दर के मुकाबले बहुत कम है। लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर की 493 दुकानों का किराया 25 रुपए से 60 रुपए के बीच है। आगामी राज्य बजट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पार्टी घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है पेयजल समस्या। पेयजल पे परसों ही मेरी कल्ला साहब से मुलाकात हुई है और 63 गांव कुम्हेर के जो ठेकेदार धीरा काम कर रहा है, उस ठेकेदार को भी मैंने लताड़ पड़वाई है। मैंने भी उससे कहा है वो जल्दी से जल्दी चंबल का पानी पहुंचाए 63 गांव जो पेंडिंग है। और डीग में भी 23 तारीख से पहले पहले शहर तक कस्बे तक पानी।